कि ये तो था मालूम गजल का एक शेर, ये इस तरह कह रहे थे, ये तो था मालूम कि तुम अपने वादे से फिर जाओगे। क्या कहना? ये गुलशन जनाब, गुलशन मेरठी जी, एडवोकेट मेरठी जी, इनका शेर, और ये पढ़ रहे थे इसी तरह, आप समझे, गुलशन खड़े हैं तो ये, हाँ ये तो था मालूम कि तुम अपने वादे से फिर जाओगे। अब इसी को इन्होंने तीन चार दफा कहा, गजल का यही होता तरीका। उतने में एक आ गया कवि, अभी प्रवेश किया था, और इनके प्रति उसकी श्रद्धा थी, उसने आके इनके पैर छुए, और दूसरी इनका वो हो गया शेर पूरा, और इन्होंने क्या कहा फिर, ये तो था मालूम कि तुम अपने वादे से फिर जाओगे, पर इतना पता नहीं था कि तुम इतने बिगड़ जाओगे। देखो शायरी ऐसे भी होती है, और हंसी उसमें से भी निकलती है, खुशी कहीं से भी निकलती है। मैंने पहले अर्ज किया था, मैं अब निवेदन कर रहा हूँ कि हम ऐसे एक शायर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ बाकायदा, कि वो इतने बड़े हैं, उनके लिए मुझे कहना पड़ता है कि मैं तेरे शागिर्द के शागिर्द का शागिर्द हूँ। क्या करें, मैं तेरे शागिर्द के शागिर्द का शागिर्द हूँ, और तू मेरे उस्ताद के उस्ताद का उस्ताद है। क्या कहना है भाई, समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आपका ख़राब नहीं कर रहा हूँ। वैसे जिन लोगों के पास वक्त कम होता है वो कम वक्त होते हैं, पर मेरे पास काफ़ी है, लीजिए। तो मैं आवाज़ देता हूँ, गाजियाबाद से हमारे बीच हैं हमारे वरिष्ठ शायर उस्ताद शायर भाई, उनको भी गुलशन, गोविंद गुलशन को मैं आवाज़ दे रहा हूँ ससम्मान, बड़े आदर और सम्मान के साथ। आप एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें आवाज़ दीजिए भाई, गुलशन। सभी को नमन करता हूँ। कल एक जगह मुंबई में मुशायरा था, मतलब शुरुआत से पहले मुझे बताया गया कि यहाँ 10 बजे के बाद पुलिस आ जाती है। यहाँ भी ऐसा ही है। अब डरने वाला नहीं हूँ। कल अपन ने इनकी पुलिस देख ली। मैंने आपके डर की वजह से ही कल अपनी हत्या कर ली। आज भी करूँगा। स्वागत। मैं एक शेर याद आ गया इस बात में, पहले अपने कलम पर जी जी आने दो। इधर उधर की ना बातों में तुम घुमाओ मुझे। अच्छा? मैं सब समझता हूँ, पागल नहीं बनाओ मुझे। अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। अब यहाँ से शेर सुने साहब। अच्छा। कि चराग हूँ मैं, चराग हूँ मैं, जरूरत है रोशनी की तुम्हें। वाह 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 वाह। चराग हूँ मैं, हाँ, जरूरत है रोशनी की तुम्हें, बुझा दिया था तुम्ही ने, तुम ही जलाओ मुझे। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। बुझा दिया हूँ मैं, जरूरत है रोशनी की तुम्हें, बुझा दिया था तुम्ही ने, तुम ही जलाओ मुझे। अच्छा। एक मतला और एक शेर मुलाहजा फरमाए के, दिल है उसी के पास, दिल है उसी के पास, है सांसें उसी के पास। वाह वो कौन थी? वो कौन था? अच्छा अच्छा, यस यस, करेक्शन। दिल है उसी के पास, अच्छा, है सांसें उसी के, उसी के पास, अच्छा उसी के, ओके ओके। देखा उसे तो रह गई आंखें उसी, उसी के, वाह 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 वाह। देखा उसे, हाँ, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के, उसी के पास। वाह। आज कहता हूं कि बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, बुझने से, बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया,
चक्कर लगा रही हैं हवाएं उसी के पास। आहा वाह 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 वाह। चक्कर लगा रही हैं हवाएं उसी के पास। एक मतला और एक शेर और अर्ज करता हूं कि जरा सा जोर हवा का दिखाई देता है, चराग बुझता हुआ सा दिखाई देता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जरा सा जोर हवा का दिखाई देता है, चराग बुझता हुआ सा दिखाई देता है। यहां बज्म में आदरणीय दिलीप शुक्ला साहब मौजूद हैं, मैं एक शेर उनकी खिदमत में पेश करता हूं मुलाजिम में। जरा सा जोर हवा का दिखाई देता है, चिराग बुझता हुआ सा दिखाई देता है, और करीब जाने से चलता है शख्सियत का पता। अच्छा, अद्भुत शेर है भाई, भाई वाह। करीब जाने से, करीब जाने से चलता है शख्सियत का पता, जमी से चांद जरा सा दिखाई। आहा क्या कहने, वाह 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 वाह। जमी से चांद, जमी से जरा सा, वाह जरा सा दिखाई देता है। एक मतला और एक शेर देखें कि अभी सलीब पे पहुंचा, अभी उतर भी गया। एक लफ्ज है, बहुत से लोग जानते भी होंगे, अजियत, यातना देना किसी को। अभी सलीब पे पहुंचा, अभी उतर भी गया, वो एक पल जो अजियत का था गुजर भी गया। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। वो एक पल जो अजियत का था गुजर भी गया। अर्ज करता हूं कि निगाह उससे मिली सिर्फ एक पल के लिए, निगाह उससे मिली सिर्फ एक पल के लिए, मैं एक पल को जिया और जी के मर भी गया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मैं एक पल को जिया और जी के मर भी गया। मैं एक गजल आपकी खिदमत में पढ़ दूं। स्वागत। संभल के रहिएगा, गुस्से में चल रही है हवा। वाह वाह वाह। संभल के रहिएगा, गुस्से में चल रही है हवा। संभल के रहिएगा, गुस्से में चल रही है हवा। मिजाज गर्म है, मौसम बदल रही है हवा। मिजाज गर्म है। अब ये शेर सुने साहब, ओमकार गुलशन जी साहब ये कह रहे थे पानी पानी पानी, क्या कह रहे? मैं कुछ और ही कह रहा था, पानी जम गया वो जाम। भाई वाह 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 वाह। वो जाम बर्फ से लबरेज है, मगर उससे वो जाम बर्फ से लबरेज है, मगर उससे लिपट लिपट के मुसलसल पिघल रही है हवा। वाह 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 वाह। लिपट लिपट के मुसलसल पिघल रही है हवा। बहुत अच्छा,
एक चित्र प्रस्तुत करता हूँ, सुन देखिएगा सुनिएगा भी। उधर तो धूप है, इसका वॉल्यूम जरा बढ़ाओ भाई, बहुत है, बस इसी में कर लो आप, मैं बढ़वा लूंगा, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं आपका बड़ा हुआ है। तो बड़ा कर रखा है। उधर तो धूप है बंदिश में और छतों पे इधर, उधर तो धूप है बंदिश में और छतों पे इधर, लिबास बर्फ का पहने टहल रही है हवा। क्या बात है, वाह 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 वाह। लिबास बर्फ का, उधर तो धूप है बंदिश में और उधर तो धूप है बंदिश में और छतों पे इधर, लिबास बर्फ का पहने टहल रही है हवा। एक शेर बतौर खास मुलायजा फरमाया साहब, मैं कह रहा हूं हवा है तो जल रहे हैं चराग, मैं कह रहा हूं हवा है तो जल रहे हैं चराग, वो कह रहे हैं चराहों से जल रही है हवा। मैं कह रहा हूँ हवा है तो जल रहे हैं चराग, वो कह रहे हैं चराहों से जल रही है हवा। वाह 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 वाह।